ओम। सभी को शुभ नमस्ते। सजनों, आज हम जल के विषय में बात कर रहे हैं। जो जल भारतीय समाज के अंदर तो सर्वप्रथम अतिथि सत्कार में जो जल ही दिया जाता है, उसके पश्चात ही कोई और खाद्य पदार्थ हम देते हैं, उसी जल को हम कैसे पिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें। तो जल हमें सबसे पहले तो सुबह प्रभात में जब उठते हैं, निद्रा से जगते हैं, सर्वप्रथम हमें गर्म गुनगुना पानी पीना चाहिए। बच्चे हैं तो आधा लीटर, यानी कि 12-13 साल तक के बच्चे आधा लीटर, छोटे और बच्चे हैं 8-10 साल के, उन्हें भी आप एक गिलास छोटा वाला तो दे ही सकते हैं। पेरेंट्स से भी मेरा आग्रह है, तो वो जल जो ऊषपान कहलाता है, वह हमारे जो रात्रि का स्थित शरीर के अंदर मल है, उसमें जल और मल मिश्रित होता है। थोड़ी बहुत मूवमेंट, हरकत वगैरह हम करते हैं, एक्सरसाइज, तो उससे हमारा प्रेशर बनता है, पेट की गंदगी बाहर निकलती है, शौच इत्यादि में आसानी होती है। फिर हम ऊषपान के पश्चात दिनचर्या में जब भी प्यास लगती तब तो हम जल ले ही लेते हैं, लेकिन क्योंकि सर्दी के दिनों में कई लोग पानी पीने से बचते हैं, वो हानिकारक है, उससे हमारे चेहरे पे पिंपल्स, झाइयां, झुर्रियां इत्यादि आएंगी। इसलिए हमें जल जहां प्रातः उठते ही पीना चाहिए, उसके पश्चात भी दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा करके ले लेना चाहिए, लेकिन वो भी शिप शिप करके पीना चाहिए, बड़े बड़े घूंट भर के नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना है। भोजन के कम से कम भी 45 मिनट तक, 50 मिनट तक, हो सके तो 1 घंटा तक भोजन करने के बाद जल ना लें। भोजन से पूर्व भी जल पीने से बचें, क्योंकि ठंडे तवे पे जैसे हम जल डालते हैं तो उस समय तवे पे जो चिटर चिटर की आवाज आती है, वैसे ही जब हमें भूख लग रही है कुछ ना कुछ भोजन के लिए और हम उस समय जल ले लेंगे तो हमारी क्षुधा शांत हो जाएगी, जो भूख है वो हमारी दब जाएगी, मंद पड़ जाएगी। इसलिए हमें उस समय भी जल ना लें, नहीं लेना चाहिए। अपवाद रूप में कभी लेना पड़े तो उसकी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर हमें ऐसा बचना चाहिए। और दिन में उसके पश्चात जहाँ खाने का इतना अंतराल हो गया, उसके बाद आप पानी अच्छे से पिए, लेकिन ध्यान रहे कि बैठ के ही पीना चाहिए। जो जल हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उस जल को हम भिन्न भिन्न प्रकार की वेस्टेज से बचाना है। चाहे हम ब्रश करते समय पानी की टूटी खुली छोड़ रहे हैं, ना छोड़ना चाहिए। चाहे हम बाल्टियां उड़ेल के स्नान कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। एक ही बाल्टी से बहुत अच्छे से स्नान हो जाता है। आप रगड़ने पे शरीर को ध्यान दें, पानी का मग्गा डाला, मैल उतार ली, तो इस तरह से आप जल को जो बचाव भी कर सकते हैं, रक्षा भी कर सकते हैं, संरक्षण भी कर सकते हैं। और ज्यादा जल पी करके आप अपने शरीर के अंदर किस तरह का इन्फेक्शन है उससे भी बच सकते हैं। बहुमूत्र की समस्या, जो बार बार हमें पेशाब इत्यादि के लिए जाना पड़ता है, या कईयों को प्रोस्टेट इत्यादि की दिक्कत हो जाती है, उसमें भी जल का ही पीना बहुत लाभ करता है। यानी कि ज्यादा मात्रा में जल पीना चाहिए, कम से कम 3 लीटर पानी तो हमारे पेट में जाना ही चाहिए दिन में, चाहे वो सर्दी का मौसम। गर्मी में तो हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो मेरा आपसे आग्रह है, आप जल शिप शिप करके पिए, छोटी घूंट करके पिए, हो सके तो गुनगुना पिए, फ्रिज के ठंडे पानी से बचे। बर्फ डाल के जो पीने के शौकीन हैं, वो आप अपनी जठराग्नि पे आक्रमण कर रहे हैं। जो भोजन को ठीक से पाचन का कार्य करती जठराग्नि, वह जठराग्नि मंद हो जाती है, और मंद जठराग्नि में भोजन पचेगा नहीं तो अजीर्ण होकर के खाया पिया यहाँ कलेजे पे रखा रहेगा, और आप बीमारी का कारण बनेंगे, बीमार होंगे, रुग्ण हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में जल हमें बहुत लाभ कर सकता है। तो आप जल हो सके तो गुनगुना पिए, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो, रुका नहीं जा रहा, तब आप उसे सामान्य रूप में ले लें तो अच्छा रहेगा, ठंडे पानी से बचें। हाँ, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिन्हें कब्ज ज्यादा रहती है, ऐसे लोग तांबे के बर्तन में पानी रात को रखें, और उस बर्तन से ताम्र के गुण आपके उस जल में आ जाएंगे। उस जल को आप पियेंगे तो आपके शरीर के अंदर तांबे की भी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखें, अगर आप तांबे वाला पानी पी रहे हैं तो वो आप नंगे पैर ना पिए, उसको तखत या पटड़े इत्यादि पे बैठ के, अपने पलंग पे बैठ के पिए, आलती पालती खड़े होकर के, तो वैसे मैं वैसे ही निषेध कर रहा हूँ, जल नहीं पीना चाहिए। तो आप तांबे वाला पानी, क्योंकि तांबा सबसे ज़्यादा सुचालक होता है, हमारी जो ऊर्जा होती है
विद्युत कह लीजिए, उसका सुचालक होता है और लकड़ी कुचालक होती है। तो आप लकड़ी के ऊपर या अपने गद्दे पलंग इत्यादि में बैठ के पानी पिए तो तांबे का जो जल होगा, तांबे के बर्तन का, वो आपको कब्ज में लाभ देगा। मेरा आग्रह है, जल की वेस्टेज से अपने आप को बचाएं, उसके आप भागीदार ना हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्ते।